लंबे समय के इंतजार के बाद आज दिनांक 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने सेंगोल को दंडवत प्रणाम किया। इसे लोकसभा अध्यक्ष के आसन के दाईं ओर स्थापित किया गया। यूं तो हमारे पास संसद भवन था ही, जो कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। साथ ही यह अपने विशाल आकार और भव्य इमारत के लिए पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। यह देश की सबसे सुरक्षित इमारतों में से एक है। इतने सालों से ये इमारत जाने कितने ऐतिहासिक बदलावों की साक्षी रही है, परंतु कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर है कि आखिर जब संसद की एक इमारत पहले से ही मौजूद है तो दूसरी बनाने की ज़रूरत क्या थी। दरअसल पुराने संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को किया गया था। उस समय इस इमारत के निर्माण में करीब 6 साल का समय लगा था और इसके निर्माण में 83 लाख रुपये खर्च हुए थे। संसद भवन का डिज़ाइन मशहूर वास्तुकार एडमंड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किया था। तब इस इमारत का उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन द्वारा 18 जनवरी 1927 को किया गया था। नई इमारत बनने के बाद इसे पुरातत्व धरोहर में बदला जा सकता है। वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या 543 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। 2021 में प्रस्तावित जनगणना के साथ ये संख्या बदलेगी और बढ़ेगी। 84वें संविधान संशोधन 2001 में कहा गया है कि 2026 तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। 2026 में परिसीमन के बाद बढ़ने वाले संसद सदस्यों का भार उठाने में वर्तमान संसद भवन की इमारत सक्षम नहीं है। पुराने बिल्डिंग को बने 100 साल पूरे होने वाले हैं, उसमें इन सबको कैसे फिट किया जाएगा ये भी बड़ा सवाल था। नई इमारत बनाने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि मंत्रालयों के ऑफिस अलग अलग जगहों पर हैं। इस वजह से कोऑर्डिनेशन में दिक्कतें आती हैं। नए प्रोजेक्ट में यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी ऑफिस एक ही जगह पर हों। मौजूदा संसद भवन को बने करीब 100 साल का समय पूरा होने जा रहा है। इसमें कई जगहों पर मरम्मत की ज़रूरत है। वेंटिलेशन सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम, ऑडियो वीडियो सिस्टम जैसी कई चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। इसके अलावा मौजूदा संसद भवन भूकंप रोधी भी नहीं है। ऐसे में सरकार ने नया संसद भवन बनाने का फैसला लिया। 971 करोड़ की लागत से तैयार नई संसद कई विशेषताओं और आकर्षण को समेटे हुए है। यह अनेकता में एकता का प्रतीक है। इसे 135 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं की निशानी भी बताया गया है। वैसे तो मौजूदा संसद भवन और नए संसद भवन में कई अंतर हैं, लेकिन सबसे बड़ा एक अंतर इसके आकार में झलकता है। पुराना भवन गोलाकार है, जबकि नया भवन तिकोना है। मौजूदा संसद भवन का गोलाकार आकार मध्य प्रदेश के मुरैना में 64 योगिनी मंदिर से प्रेरित है, ऐसा बताया जाता है। हालांकि इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन नए संसद भवन का तिकोना आकार सबकी जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। नए संसद भवन को त्रिकोणीय आकार में विशेष तौर पर डिज़ाइन किया गया है। नए संसद के वास्तुकार विमल पटेल ने मीडिया को बताया है कि नया संसद भवन त्रिकोणीय आकार में इसलिए बनाया गया है क्योंकि यह त्रिकोणीय भूखंड पर बना है। यहाँ की भूमि गोलाकार या चौकोर नहीं है। वास्तुकार विमल पटेल के मुताबिक इसका तिकोना होना देश के विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों को दर्शाता है। यह विभिन्न संस्कृतियों के लिहाज से अहम है। भवन के तिकोना होने के सवाल पर वो कहते हैं कि इसका सीधा सा जवाब है सभी तरह की धार्मिकता का समायोजन। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई पवित्र धर्मों में त्रिभुज आकार का विशेष महत्व है। श्री यंत्र भी त्रिभुज होता है। तीन देवता या त्रिदेव भी त्रिभुज के प्रतीक हैं। इसलिए यह त्रिभुजाकार संसद परिसर बहुत ही पवित्र और शुभ है। नए संसद भवन का निर्माण 862 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस 4 मंजिला भवन को पूरी तरह भूकंपरोधी और आधुनिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण बनाया गया है। नए भवन के लोकसभा कक्ष में 1272 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है, ताकि यहाँ दोनों सदनों का संयुक्त सत्र भी आयोजित हो सके। नए लोकसभा भवन में 888 सांसद सीटें रखी गई हैं, जबकि 336 लोगों के बैठने का प्रबंध दर्शक दीर्घा गैलरी में होगा। राज्यसभा कक्ष में भी मौजूदा भवन की 280 सांसदों की क्षमता को नए भवन में बढ़ाकर 384 कर दिया गया है। सभी मंत्रियों के लिए नए भवन में कार्यालय बनाए गए हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन आज हो चुका है और अब वो तैयार है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में हो रहे बदलावों के साक्षी बनने को।